हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल एक्स मार्टी क्रिएटर। आज हम लोगों का आईटी सिस्टम का फोर्थ यूनिट का क्यूज होने वाला है। जो हमारे चैनल पे कोर्स ज्वाइन किए हैं उन्हें ये बात पता होगी कि फोर्थ यूनिट हमारा 2-2.5 महीना पहले ही खत्म हो चुका है, लेकिन इसका क्यूज नहीं हुआ था। और मैंने आप सभी को व्हाट्सएप ग्रुप में बताया भी था कि आप सभी का क्वेश्चन अरेंज हो चुका है, लेकिन टाइम के अभाव के कारण आप सभी का क्यूज नहीं हो पाया था। सो फाइनली आज आप सभी का इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम के फोर्थ यूनिट का क्यूज होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम फोर्थ यूनिट के सारे यथासंभव ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। तो जल्दी से आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा छात्रों को बेनिफिट हो सके। तो जैसा कि आप फोर्थ यूनिट का यहाँ पे नाम देख सकते हैं, ऑफिस टूल, जिसमें हम बात करने वाले हैं ओपन ऑफिस राइटर, ओपन ऑफिस स्प्रेडशीट, ओपन ऑफिस इंप्रेस। इन तीनों ऑफिस टूल के ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो जो पुराने स्टूडेंट हैं, जो पहले से हमारे चैनल पे क्यूज देते आ रहे हैं, यानी कि फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट का क्यूज जो दिए होंगे, उन्हें क्यूज का नियम अच्छे से पता होगा। जो नए स्टूडेंट ज्वाइन हुए हैं तो उन्हें मैं क्यूज का नियम बता देता हूं, और जो पुराने स्टूडेंट हैं जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो क्यूज का नियम कुछ इस प्रकार है, मैं आपको इसमें टोटल 25 क्वेश्चन पूछने वाला हूं। अब कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि इससे पहले तो 30 क्वेश्चन होता था, लेकिन आज के इस क्यूज में हम 25 क्वेश्चन ही देखने वाले हैं, और सारे क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के होंगे, यानी एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे और उनका आंसर आपको 10 सेकंड में देना है। ठीक है, अब चारों ऑप्शन में से जो भी सही है आपको वो बताना है। अब बात रही आपको आंसर देना कहाँ पे है, तो आप सभी के सामने लाइव चैट का ऑप्शन ओपन हो गया होगा। जो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब किए हैं उन्हें ये ऑप्शन इनेबल मिलेगा, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनके लिए ऑप्शन डिसेबल होगा। तो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उनके लिए भी ऑप्शन इनेबल हो जाए। तो अगर आप लोग क्यूज दे रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि क्यूज का आंसर भी दे, ताकि आपके एबिलिटी का आपको पता चल सके। क्योंकि क्यूज देने के 2 फायदे हैं। एक फायदा तो ये कि बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव होते हैं जो मैं आपको थ्योरी में नहीं लिखा पाता, तो उसको मैं आपको क्यूज में बता देता हूँ। सो इसलिए भी आप लोग क्यूज जरूर दीजिए। दूसरा फायदा आपके लिए है कि आप ये जान सकते हैं कि हम कितना क्वेश्चन सही कर सकते हैं, इसलिए आप लोग क्यूज का आंसर जरूर दीजिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो वीडियो पूरा देख लेते हैं लेकिन आंसर नहीं देते हैं, तो आंसर आप लोग जरूर दीजिए। और जो स्टूडेंट वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर लें। तो जिन्होंने शेयर नहीं किया है शेयर कर दें, मैं भी इस क्यूज को शेयर कर देता हूँ। तो फाइनली शेयर हो चुका है, जैसा कि आप टाइम देख सकते हैं, टाइम हमारा 7 PM ही था, ऑलरेडी हम लोग काफी लेट हो चुके हैं। तो चलिए हम लोग फोर्थ यूनिट के क्यूज को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपने यूनिट का नाम देख लिया, ऑफिस टूल और संडे लाइव क्यूज, तो चलिए इस क्यूज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच इज द ओपनिंग स्क्रीन ऑफ ओपन ऑफिस, यानी कि ओपन ऑफिस का ओपनिंग स्क्रीन इनमें से कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है स्टार डेस्कटॉप, दूसरा है स्टार सेंटर, तीसरा है स्टार स्क्रीन और चौथा है स्टार विंडो। तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टार सेंटर, यानी कि ओपन ऑफिस का जो ओपनिंग स्क्रीन कहलाता है स्टार सेंटर। ठीक है, ये पिछले बार आपके एग्जाम में भी पूछा गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी आसान क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ द ऑफिस सूट, यानी इनमें से कौन सा ऑफिस सूट का, यानी ओपन ऑफिस सूट का एक कंपोनेंट नहीं है। पहला ऑप्शन है राइटर, दूसरा है इम्प्रेस, तीसरा है इंटरनेट एक्सप्लोरर और चौथा है बेस। तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है। तो यहाँ पे राइटर, इम्प्रेस और बेस,
ये तीनों ओपन ऑफिस सूट के कंपोनेंट हैं, जैसा कि फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग एप्लीकेशन वर्क सिमिलर टू ओपन ऑफिस वर्ड एप्लीकेशन। यहाँ पे एमएस ऑफिस वर्ड एप्लीकेशन होना चाहिए था, यानी कि इनमें से कौन सा एप्लीकेशन एमएस ऑफिस वर्ड की तरह काम करता है। पहला ऑप्शन है इंप्रेस, दूसरा है राइटर, तीसरा है कैल्क यानी स्प्रेडशीट, चौथा है नन ऑफ द एबव। तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है। तो जैसा कि मैंने आपको ओपन ऑफिस राइटर पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि वर्ड के कई सारे फंक्शन आपको ओपन ऑफिस राइटर में मिलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, राइटर, यानी कि ओपन ऑफिस राइटर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन ऑफिस सूट। कहता है इसमें ओपन ऑफिस सूट का कौन एक एग्जाम्पल नहीं है। पहला है कैल्क यानी स्प्रेडशीट, दूसरा है राइटर, तीसरा है पब्लिशर और चौथा है एक्सेल। तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सेल। ठीक है, क्योंकि एक्सेल एमएस ऑफिस का पैकेज है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट का। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, एक्सेल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग फाइल एक्सटेंशन इज नॉट कंपेटिबल विथ ओपन ऑफिस राइटर। यानी कि इनमें से कौन सा एक्सटेंशन ओपन ऑफिस राइटर का नहीं है। तो पहला ऑप्शन है txt, दूसरा है doc doc, तीसरा है SXW और चौथा है CSV। तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा CSV। मैंने ओपन ऑफिस राइटर के सारे एक्सटेंशन को आपको नोट डाउन करवाया था, क्योंकि txt, doc और SXW ये तीनों एक्सटेंशन है ओपन ऑफिस राइटर के। CSV इसमें नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ द राइटर फाइल। यानी कि इनमें से कौन सा एक्सटेंशन ओपन ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट एक्सटेंशन है। डिफॉल्ट यानी कि अगर हम सेव करेंगे तो ये ऑटोमेटिक पहले से डिफॉल्ट किया हुआ रहता है, यानी कि पहले ये ऑप्शन चूज किया रहता है। पहला है .ovt, दूसरा है .doc, तीसरा है .odt और चौथा है .docs। तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा .odt। तो देखिए यहाँ पे .ovt और .odt दोनों में थोड़ा सा फर्क है बी और डी का, तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा .odt। ये डिफॉल्ट एक्सटेंशन है, और ऊपर जो मैंने पूछा था वो पूछा था इनमें से कौन सा एक्सटेंशन नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, और ये सब जो एक्सटेंशन था ये भी ओपन ऑफिस राइटर क्या ही है, लेकिन यहाँ पे डिफॉल्ट लगा हुआ है इसलिए इसमें हो जाएगा .odt। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ प्रोग्राम इज राइटर। काफी आसान क्वेश्चन है, यानी कि राइटर जो है किस टाइप का प्रोग्राम है। पहला है वर्ड प्रोसेसर, दूसरा है स्प्रेडशीट, तीसरा है प्रेजेंटेशन और लास्ट है हमारा डाटा बेस। जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है, तो ये तो मैंने आपको शायद पहला लाइन में ही लिखाया था
कि ओपन ऑफिस राइटर जो है एक वर्ड प्रोसेसर है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, वर्ड प्रोसेसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ एक्टिविटी दैट कैन बी डन थ्रू राइटर, यानी राइटर के थ्रू इनमें से कौन सा काम कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, यानी कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकते हैं, ठीक है, या फिर अकाउंट का कोई स्टेटमेंट बना सकते हैं। दूसरा है प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंट, तीसरा है डाटा एनालिसिस, और चौथा है ऑल ऑफ दिस। तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है। तो इसमें काफी सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होगा, ठीक है, बहुत से स्टूडेंट ऑल ऑफ दिस मारेंगे। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, प्रिफरिंग डॉक्यूमेंट, यानी डॉक्यूमेंट क्रिएट करने में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, डाटा एनालिसिस, ये सब एक्सेल यानी कि ओपन ऑफिस स्प्रेडशीट में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, द मोस्टली वाइडली यूज्ड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इन लेट 1970 वाज, यानी कि 1970 के अंत तक कौन सा ऐसा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर था जो काफी ज्यादा यूज किया जाता था, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है वर्ड परफेक्ट, दूसरा है वर्ड, तीसरा है वर्ड स्टार, और चौथा है राइटर। तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ड स्टार, यानी कि 1970 के अंत तक सबसे ज्यादा यूज होने वाला सॉफ्टवेयर जो था, जो कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर था, ये था वर्ड स्टार। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, वर्ड स्टार। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ओपन ऑफिस डॉट ओ आर जी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट कैन बी प्रिपेयर्ड यूजिंग, यानी ओपन ऑफिस डॉट ओ आर जी में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट किसके द्वारा क्रिएट कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है राइटर, दूसरा है कैल्क, तीसरा है ड्रॉ, और चौथा है इम्प्रेस। तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है। तो यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बात की जा रही है, ठीक है, डॉक्यूमेंट की बात जैसे ही आई तो इसका आंसर हो जाएगा राइटर, ठीक है, क्योंकि ओपन ऑफिस राइटर का मुख्य काम ही है डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना, ठीक है। तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है इसलिए यहाँ पे क्या होगा राइटर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेलिंग्स आर करेक्टेड ऑटोमेटिकली इन द राइटर बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग फीचर्स, यानी कि ओपन ऑफिस राइटर में कुछ भी अगर हम गलत लिखते हैं कोई वर्ड तो ऑटोमेटिक वो स्पेलिंग सही कर देता है, ये किस फीचर के कारण होता है। तो पहला ऑप्शन है ऑटो टेक्स्ट, दूसरा है ऑटो करेक्ट, तीसरा है ऑटो कंप्लीट, और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ऑटो करेक्ट, इस फीचर के कारण स्पेलिंग ऑटोमेटिक सही कर सकते हैं आप। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग, यानी कि कौन सा शॉर्टकट की यूज करके आप ऑटोमेटिक अपने स्पेलिंग को चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि आपका स्पेलिंग सही है या फिर गलत है। पहला ऑप्शन है शिफ्ट प्लस इंसर्ट, दूसरा ऑप्शन है शिफ्ट प्लस F7, तीसरा ऑप्शन है कंट्रोल प्लस इंसर्ट, चौथा ऑप्शन है टैब प्लस इंसर्ट। तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, शिफ्ट प्लस F7, ठीक है, इस शॉर्टकट की का यूज करके आप स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो क्यूज को लाइक नहीं किए हैं, तो क्यूज को लाइक जरूर करें।
और आप सभी को एक बात बताना चाहूंगा कि पिछले बार जो आपके सीनियर्स एग्जाम दिए थे, जो हमारे चैनल पे पढ़े थे, ठीक है, आईटी सिस्टम, उनमें से सबसे हाईएस्ट मार्क है 82। 4-5 मार्क और बढ़ता, जो कि कॉलेज के इंटरनल मार्क कम देने की वजह से 82 आया। ठीक है, सबसे हाईएस्ट 82 है, फिर 77, 74, इस तरह मार्क आया है स्टूडेंट को। और पिछले बार जो हमारे चैनल पे आईटी सिस्टम का गेसिंग क्वेश्चन दिया गया था, वो उनके एग्जाम में 70% क्वेश्चन गेसिंग से ही आया था। तो गेसिंग क्वेश्चन का वीडियो सभी छात्रों को भेजा जा चुका है जो हमारे चैनल पे कोर्स ज्वाइन किए हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो देख सकते हैं। और अगर हमसे पर्सनली जुड़ना है, कुछ क्योरी हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और जो छात्र आईटी सिस्टम वाले टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं है, वो जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पे आपको एग्जाम टाइम है तो कुछ कुछ नोट्स मिलेगा आपको वहाँ पे, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव भी कुछ कुछ करवाया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अगर ज्वाइन नहीं है तो ज्वाइन हो सकते हैं क्यूज देने के बाद। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की यूज टू टेक्स्ट इटैलिक। ये तो काफी आसान है। इटैलिक करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं? पहला है Ctrl+U, दूसरा है Shift+U, तीसरा है Ctrl+I, चौथा है Shift+I। तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है। तो इटैलिक करने के लिए आप सभी को पता होगा Ctrl+I का यूज करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा Ctrl+I, ठीक, आई फॉर इटैलिक, ऐसे भी याद रख सकते हैं आप लोग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोग्राम इज यूज फॉर फास्ट एंड एक्यूरेट कैलकुलेशन एज वेल एज फॉर्मेटिंग ऑफ डाटा इन ए डॉक्यूमेंट। यानी कि किस प्रोग्राम का यूज करके अपने डाटा के जो फॉर्मेट है हमारा, ठीक है, किसी डॉक्यूमेंट में जो हमारा डाटा का फॉर्मेट है वो एकदम फास्ट हो और एकदम सही सही कैलकुलेशन हो, पूरा एक्यूरेट हो, ये हम किस प्रोग्राम के थ्रू कर सकते हैं? पहला है कैल्क, दूसरा है बेस, तीसरा है राइटर, चौथा है इम्प्रेस। तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, कैल्क। क्योंकि आप सभी को पता है कैलकुलेशन वाले जो भी काम होते हैं, फॉर्मेट बनाने का जो भी काम होता है, ये किस में होता है? स्प्रेडशीट में, यानी कि कैल्क। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, कैल्क। कैल्क की जगह पे आपको यहाँ पे स्प्रेडशीट भी आ सकता है, स्प्रेडशीट को ही कैल्क बोलते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज स्प्रेडशीट, यानी स्प्रेडशीट क्या है? पहला ऑप्शन है डॉक्यूमेंट, काफी आसान क्वेश्चन है। दूसरा ऑप्शन है स्लाइड, तीसरा ऑप्शन है टेबल, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है। तो स्प्रेडशीट क्या है? ये तो काफी आसान क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। इसका हो जाएगा टेबल। अगर राइटर की बात करें तो वो डॉक्यूमेंट है, और प्रेजेंटेशन की बात करें तो वो स्लाइड है। तो इसका आंसर हो जाएगा टेबल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग एप्लीकेशन आर नॉट सुटेबल फॉर, यहाँ पे ई नहीं आर होगा, फॉर कैल्क। यानी कि कैल्क के थ्रू इनमें से हम कौन सा काम नहीं कर सकते हैं, कौन सा एप्लीकेशन इनमें से यूज नहीं होगा कैल्क के लिए? पहला है बैलेंस शीट प्रिपरेशन, यानी बैलेंस शीट बनाना। दूसरा है रिजल्ट एनालिसिस, ठीक है, रिजल्ट का एनालिसिस करना। तीसरा है प्रेजेंटिंग एन आइडिया अबाउट ए प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट का जो आइडिया है उसे प्रेजेंट करना, ठीक है। उसके बाद है ऑल ऑफ दिस। तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, प्रेजेंटिंग एन आइडिया अबाउट ए प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देखिए प्रेजेंटिंग की बात की गई है, यानी कि आप सभी को पता है प्रेजेंटेशन का जो भी काम होता है वो ओपन ऑफिस इम्प्रेस के थ्रू होता है, ना कि कैल्क के थ्रू, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, प्रेजेंटिंग एन आइडिया अबाउट ए प्रोडक्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द एक्सटेंशन ऑफ ए वर्कशीट क्रिएटेड इन कैल्क।
अगर कैल्क में हम कोई वर्कशीट बनाते हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा? पहला ऑप्शन है .ods, दूसरा ऑप्शन है .odd, तीसरा ऑप्शन है .xls और चौथा ऑप्शन है .obj। तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा .ods, यानी कैल्क के थ्रू जो भी वर्कशीट क्रिएट होते हैं वो .ods एक्सटेंशन के साथ सेव कर सकते हैं आप। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ पैकेज इज कैल्क? कैल्क किस तरह का पैकेज है? काफी आसान क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है वर्ड प्रोसेसर, दूसरा है स्प्रेडशीट, तीसरा है डाटाबेस, चौथा है प्रेजेंटेशन। तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, स्प्रेडशीट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मैक्सिमम वर्कशीट इन स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट? यानी स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट में ज्यादा से ज्यादा यानी मैक्सिमम कितने वर्कशीट हो सकते हैं? पहला ऑप्शन है 24, दूसरा है 64, तीसरा है 256 और चौथा ऑप्शन है 65536। जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 256। तो आप लोग याद रखिएगा, मैक्सिमम वर्कशीट जो हो सकते हैं वो 256 है किसी भी स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ ए स्प्रेडशीट? यानी किसी भी स्प्रेडशीट का बेसिक एलिमेंट क्या है या फिर कौन सा है? पहला ऑप्शन है सेल, दूसरा है वर्कशीट, तीसरा है वर्कबुक और चौथा है रो एंड कॉलम। तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेल। ठीक है, वो आप लोग सोचिएगा, वर्कशीट भी तो इसी का पार्ट है, ठीक है, वर्कबुक बेसिक का है, रो एंड कॉलम तो स्प्रेडशीट में होता ही है, लेकिन यहाँ पे देखिए बेसिक एलिमेंट की बात की जा रही है, ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सेल ए नंबर। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फंक्शन इज यूज टू डू सम इन कैल्क? यानी कि कैल्क में सम करने के लिए कौन से फंक्शन का यूज करते हैं? यहाँ पे एन होगा, ठीक है, फंक्शन। ठीक है, पहला ऑप्शन है प्लस, दूसरा है सम, तीसरा है ज्वाइंट, चौथा है ऐड। तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है। अब आप सोचिएगा, सम यहाँ पे तो सब, प्लस का मतलब भी वही होता है, सम का मतलब भी वही होता है, ऐड करने का मतलब भी तो वही होता है, लेकिन कैलक में जो फंक्शन यूज होता है, ठीक है, जोड़ने के लिए, वो हो जाएगा आपका बी नंबर, सम। सम का बात किया जा रहा है इसलिए आंसर भी सम यानी कि बी नंबर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ प्रोग्राम इज ओपन ऑफिस इम्प्रेस? यानी ओपन ऑफिस इम्प्रेस किस तरह का प्रोग्राम है? तो इसका आंसर तो मैंने ऊपर ही आपको बता दिया था, ठीक है, तो फिर भी चलिए देखते हैं कितने को याद है। पहला ऑप्शन है स्प्रेडशीट, दूसरा है वर्ड प्रोसेसिंग, तीसरा है प्रेजेंटेशन और चौथा है नन ऑफ दिस। तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त होता है। तो इम्प्रेस कैसा प्रोग्राम है? तो ऊपर से मैं बोलते आ रहा हूं क्या, प्रेजेंटेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, प्रेजेंटेशन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विथ
विच एक्सटेंशन इज द सेव्ड फाइल इन ओपन ऑफिस इम्प्रेस सेव, यानी ओपन ऑफिस इम्प्रेस में किसी भी फाइल को किस एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं। पहला ऑप्शन है डॉट ODS, दूसरा है डॉट ODT, तीसरा है डॉट ODP और चौथा है डॉट IST। तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर डॉट ODP। ठीक है, सभी का एक्सटेंशन आपको लिखाया गया है और एक नहीं कई सारी एक्सटेंशन लिखाया गया है, तो इसका हो जाएगा डॉट ODP, जिसका कि फुल फॉर्म होता है ओपन डायरेक्टरी प्रोजेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, एनी प्रेजेंटेशन इन ओपन ऑफिस इम्प्रेस कैन बी एक्सपोर्टेड इन द फ्लोइंग फॉर्मेट, यानी कि ओपन ऑफिस इम्प्रेस में किसी भी प्रेजेंटेशन को हम किस फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पहला है GIF, दूसरा है PDF, तीसरा है BMP और चौथा है ऑल। तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है। जब मैंने ओपन ऑफिस इम्प्रेस का फॉर्मेट लिखाया था तो उनमें ये सारा ऑप्शन है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल। ठीक, जिप, PDF, BMP, इन तीनों फॉर्मेट में आप किसी भी फाइल को सेव कर सकते हैं ओपन ऑफिस इम्प्रेस के थ्रू। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है आज का, वो हम देख लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन ओपन ऑफिस इम्प्रेस, यानी ओपन ऑफिस इम्प्रेस में हम किसी भी चीज को मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हैं, कितना परसेंट। पहला ऑप्शन है 3%, दूसरा है 5%, तीसरा है 500% और चौथा है 3000%। तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। ये थोड़ा यूनिक प्रश्न है, देखते हैं कितने छात्र इसका आंसर दे सकते हैं। तो आपका समय समाप्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 3000%, यानी कि ओपन ऑफिस इम्प्रेस में जो मैक्सिमम जूम परसेंट है वो है 3000। सो आई होप आप सभी को क्यूज पसंद आई हो। क्यूज पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ये क्यूज ओनली आधे घंटे के लिए लाइव रहेगा, उसके बाद इस वीडियो को प्राइवेट कर दिया जाएगा। तो जल्दी से जाके आप अपने दोस्तों के साथ अगर अभी तक शेयर नहीं किए तो शेयर जरूर कर ले और डू सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट क्यूज। अगले क्यूज के लिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। और नेक्स्ट क्यूज आपको फिफ्थ यूनिट का चाहिए या सारे यूनिट का मिक्सिंग चाहिए, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पे लाइव चैट में नहीं, वीडियो का जो कमेंट बॉक्स होता है वहाँ पे आपको कमेंट करके बताना है। जो स्टूडेंट टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं हुए हैं वो टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। अगर लिंक से ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है IT सिस्टम पॉलिटेक्निक, नाम है ये टेलीग्राम ग्रुप का, तो जाके सर्च भी वो कर सकते हैं टेलीग्राम पर। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आई होप आप सभी की एग्जाम की तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।